हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्स। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि चार फोर्स से जो कोप्लानर कंकरेंट फोर्स है, मींस ये चारों फोर्स एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं और इनका डायरेक्शन एक ही प्लेन में है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्स। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि जो चार फोर्स हैं वो क्या है, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इनका ये जो जितने फोर्स हैं इनको हम रिजोल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले 200 न्यूटन फोर्स जो है इसको हम रिजोल्व करते हैं। ओके, तो जो 200 न्यूटन फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, 200 कॉस थीटा वन, अलोंग वाई एक्सिस 200 साइन थीटा वन। ओके, इस 120 न्यूटन फोर्स को हम रिजोल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस 120 कॉस थीटा टू। ओके, ओके, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 50 कॉस 60 डिग्री। ओके, ये अलोंग एक्स एक्सिस के होगा और अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 50 साइन 60 डिग्री। ओके, अभी 100 न्यूटन फोर्स को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करते हैं। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 100 100 साइन होगा, क्योंकि जो 100 न्यूटन है 40 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग कॉस होगा और एक्स एक्सिस के अलोंग साइन होगा। तो 100 साइन 40 डिग्री और वाई एक्सिस के अलोंग 100 कॉस 40 डिग्री। ओके, अब हम यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि किधर प्लस ले और किधर माइनस ले। ओके, हम राइट डायरेक्शन में प्लस लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्लस लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी माइनस लेंगे। मींस अगर फोर्स हमें राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस लेंगे, अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस लेंगे, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग मींस एक्स एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम माइनस लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो भी माइनस लेंगे। ओके, तो हम यहां पर साइन लिख दे रहे हैं, ये जो 200 न्यूटन फोर्स है ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए प्लस होगा, ये भी 200 न्यूटन फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए प्लस होगा, 200 साइन थीटा वन जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए प्लस होगा। ओके, ये जो 120 साइन थीटा टू जो न्यूटन फोर्स है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है इसलिए भी प्लस होगा, और ये 120 कॉस थीटा टू ये लेफ्ट डायरेक्शन लग रहा है इसलिए ये माइनस होगा। ओके, 50 कॉस 60 डिग्री ये जो न्यूटन फोर्स है ये लेफ्ट डायरेक्शन लग रहा है इसलिए माइनस होगा, 50 साइन 60 डिग्री ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है इसलिए माइनस होगा। ओके, ये जो 100 साइन 40 डिग्री ये फोर्स जो है ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग राइट साइड इसलिए ये प्लस होगा, और 100 कॉस 40 डिग्री जो फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 200 कॉस थीटा वन माइनस
120, ये जो है 120 लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम फोर्स रिजोल्व कर रहे हैं, तो 120 कॉस थीटा 2। ओके, अब इस 50 न्यूटन के लिए माइनस 50 कॉस 60 डिग्री। अब 100 न्यूटन फोर्स के लिए प्लस 100 साइन 40 डिग्री। ओके, अब हम समेशन ऑफ एफ वाई को कैलकुलेट करेंगे। एफ वाई क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वाई 200 साइन थीटा 1 ये, फिर इसमें प्लस जो 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है 120 साइन थीटा 1, ये जो फिर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस 50 साइन 60 डिग्री। ओके, अब जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस 100 कॉस 40 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमें थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पता नहीं है, तो हम थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहां पर टेन थीटा 1 इजकल टू क्या होगा, टेन थीटा 1 इजकल टू 1 बाई 2। ओके, तो थीटा 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बाई 2। ओके, तो थीटा 1 इजकल टू क्या होगा, 26 कैलकुलेट करने के बाद 26.565 आएगा। ओके, डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 को हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए ये थीटा 2 है, टेन इनवर्स टेन थीटा 2 इजकल टू 4 बाई 3 होगा। ओके, तो थीटा 2 इजकल टू क्या होगा, थीटा 2 इजकल टू टेन इनवर्स 4 बाई 3 इजकल टू कैलकुलेट करने के बाद 53.13 डिग्री आएगा। ओके, थीटा 2 का वैल्यू, तो ये हम थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ वाई आ जाएगा। तो थीटा 1 के जगह पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे 26.56 और थीटा 2 की जगह पर हम 53.13 वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, 53.13 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, यहां थीटा 1 की जगह पर 26.565 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, और सॉरी ये थीटा 2 है, तो यहां पर थीटा 2 का वैल्यू आएगा। ओके, थीटा 2 का वैल्यू है 53.13 और ये थीटा 1 है तो यहां पर आएगा 26.565 डिग्री। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 146.2 न्यूटन और समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 65.5 न्यूटन। ओके, अब हम रिजल्टेंट इसका कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हुआ। तो जब समेशन ऑफ एफ एक्स पुट करेंगे 142.6 का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का जो वैल्यू पुट करेंगे 65.5 का होल स्क्वायर, तो जो वैल्यू आया क्या आएगा, 160.2 न्यूटन। ओके, अब देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री के इंक्लाइंड है लॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, सपोज ये समेशन ऑफ एफ वाई है,
समेशन ऑफ एफ एक्स है और ये आर है, तो ये आर कितना डिग्री के इंक्लाइंड पे है। ओके तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ओके तो समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू 24.5, समेशन एफ एफ वाई और समेशन एफ एफ एक्स का वैल्यू ये और ये दोनों पुट कर देंगे यहाँ पर, तो अल्फा का वैल्यू 24.5 डिग्री आएगा। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 24.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ओके ये जो रिजल्टेंट है। ओके थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।